बसमिल आज जो टॉपिक हमने स्टडी करना है वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्जोनोमी इसके अलावा प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर एंड मेथड ऑफ स्टडी ऑफ बायोसिस्टमेटिक्स बायोसिस्टमेटिक्स जो है इसको हमने पहले भी पढ़ा है व्हाट इज़ इट्स डेफिनेशन सिंपली हम ये बात करते हैं कि इट इज़ दी ऑफ टेक्ज़ोनोमी एवोल्यूशनरी स्टडी ऑफ टेक्सोनोमी यानी कि फाइलोजेनेटिक रिलेशन्स बनाना और जो है फाइलोजेनेटिकली उसकी स्टडी करना इंटर रिलेट करना टेक्साज को ये सारा कुछ जो है बायोसिस्टमेटिक्स में आ जाता है इसके अलावा हमने इसका इंट्रोडक्शन और इसका रिलेशन बाकी ब्रांचेस uh, के साथ या बाकी क्लासेस के साथ स्टडी uh, किया है uh, अब जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है उसमें कुछ साइंटिस्ट्स के नाम हैं कि जैसे कि कॉक हैं इन्होंने स्टडी किया था साइटोजेनेटिक साइटोजेनेटिक क्या होती है यानी कि जेनेटिक्स जो है वो माइटोसिस मियोसिस है जैसे या सेल के अंदर जो चेंजेस हो रही हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस वो सारा कुछ जो है वो साइटोजेनेटिक्स में आ जाते हैं जीनस क्रेपिस को इन्होंने जो है उसके क्लासिकल मॉडल्स बनाए थे साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स को जो है स्टडी किया था इसके अलावा जो है जेन क्लॉसिन जो हैं उन्होंने वायोला जो है ना जीनस उसके आ, जो है वो उसके टेक्जोनोमी एंड साइटोजेनेटिक्स स्टडी की थी और फ्रूटफुल रिजल्ट्स आए थे वायोला जेनेट जो है जीनस ये कौन सा वाला है वॉयलेट प्लांट्स होते हैं वॉयलेट कलर में जो है ना ये आप लोगों को आ, स्प्रिंग सीजन में जो है अब जो है मार्च अप्रैल वग़ैरह में तो आपको वो ग्रो किए हुए नज़र आएंगे आ, पर्पल से कलर के फ्लावर्स होते हैं वो जीनस जो है वायोला जीनस है इन फेलम प्रिटेंस जो है पोएसी फैमिली का है ये इसमें हेक्साप्लॉइड ग्रुप्स जो हैं उसको इन्होंने प्रैक्टिकली स्टडी किया था कि इसका क्या इकोलॉजिकली हैबिटेट है या फिर ये जो है आ, कैसे जो है वो इंटर स्टेराइल हैं या फिर क्या इनकी फर्टिलिटी है जैसे कि आपको पता है कि वीट भी हेग्जाप्लॉयड है हेक्जाप्लॉयड मतलब कि इसमें सेवन पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ठीक है सेवन पेयर्स ऑफ सॉरी सिक्स पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं यानी कि इसके सात है है क्रोमोसोम्स है, हैं ना वो सात क्रोमोसोम्स जो हैं उसके कह लें कि छः पेयर्स जो हैं वो मौजूद हैं व्हीट में ठीक है ह्यूमन uh, बीइंग में कितने पेयर्स हैं ट्वेंटी थ्री पेयर्स हैं जिस तरह हमारे ट्वेंटी थ्री पेयर्स जो हैं वो सिंगली प्रेजेंट हैं यानी एक ही एक सेल में जो है वो ट्वेंटी थ्री पेयर्स ही हैं इसमें जो है पूरा जीनोम जो है वो कवर हो जाता है सेवन पेयर्स में लेकिन सेवन पेयर्स जो हैं उसकी आगे जो है वो कह लें कि मतलब सॉरी सेवन क्रोमोसोम्स में इसका पूरा जीनोम जो है वो कवर हो जाता है लेकिन वो सेवन क्रोमोसोम्स जो हैं वो सिक्स टाइम्स कह लें कि एक सेल के अंदर पाए जाते हैं एग्जापलॉइडेज नेक्स्ट हम जो है इसकी प्रिंसिपल्स और जो है प्रोसीजर स्टडी करेंगे कि किस तरह से आप बायोसिस्टमेटिक को स्टडी करते हैं इसके डिफरेंट टेक्निक्स क्या हैं सबसे पहले तो आप क्या करेंगे एक प्लांट ग्रुप को आप चूज़ करेंगे या सेलेक्ट कर लेंगे उसमें जो है वेरिएशंस uh, क्या हैं या उसमें माइक्रो एवोल्यूशंस जो हुई हैं वो क्या हैं उसे आप स्टडी uh, करेंगे आफ्टर दैट आप कलेक्ट करेंगे उन्हीं टेक्सास के जो हैं वो सैम्पल्स डिफरेंट जोग्राफिकली इकोलॉजिकल एरिया से फिर उन्हें कल्टिवेट करेंगे अपने गार्डन्स में और उनके जो है वो करैक्टर्स देखेंगे उनकी जो है वो डिफरेंट ट्रेसिस देखेंगे उनके जो है आपस में जो है वो मॉर्फोलॉजिकली एक ही जेनेटिक्स के जो हैं वो प्लांट्स uh, वो जेनेटिकली किस तरह मतलब जो है वो सेम है और वो कैसे डिफरेंट बिहेवियर्स शो कर रहे हैं ये सारी चीज़ें देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे और इसका जो है फिर आप आगे मज़ीद डाटा कलेक्ट करेंगे और उसकी जो है वेरिएशंस स्टडी करेंगे उस पर स्टैट लगाते हैं फिर तो स्टैट लगा के के कितना डिफरेंस आ रहा है वो सारा कुछ जो है आप इसमें स्टडी करेंगे उसके बाद जो है आप ये देखेंगे कि फर्टा uh, फर्टिलिटी जो है वो कितनी है और साइटोलॉजी uh, जो है उसको स्टडी करेंगे यानी कि आप देखेंगे ना कि ये जो है ये हेक्सापोलाइड है तो इनका आपस में जो है इनकी फर्टिलिटी रेट क्या है आपको पता है कि जैसा कि होता है कि कुछ ऐसे भी क्रॉसेस uh, हो जाते हैं डिफरेंट टेक्सास के दौरान दरमियान के जैसे कि दो एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट स्पीशीज़ के हैं लेकिन वो इंटरब्रीड कर जाते हैं उसके बाद जो उनके ऑफ uh, स्प्रिंग बनते हैं वो स्टेराइल होते हैं तो फर्टिलिटी रेट चेक करेंगे कि उसका क्या फर्टिलिटी रेट है या क्या उनका जो है वो जीनोम बना इसके बाद जो है रिजल्ट्स uh, आप कलेक्ट करेंगे सेंसिस ऑफ रिजल्ट का फेज़ आता है उसे जो है आप इंफॉर्मेशन जो है आ, सारी कंपाइल अप करेंगे और प्रिंसिपल्स जो हैं सारे उन सबको स्टडी करते हुए एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप प्लांट्स का देखेंगे और उनकी हायर मतलब चेक करेंगे कि उनके इंसेस्टर्स के साथ क्या रिलेशन्स हैं जैसे कि आपको पता है कि पहली जो थी वीट वो ज़रा डिफरेंट थी अब जो है अब वीट जो है वो हैग्जापोलॉइड है तो उसको जो है कुछ चेंजिंग्स करके जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए आपने जेनेटिकली मॉडिफाई की है ठीक है और किस तरह से वो सिर्फ़ ये है कि आपने उन्हें क्रोसेस करवा करवा के जो है वो डिफरेंट एक कह लेंगे आपके पास रेस आ गई है तो आगे जो है उसकी क्या वायबिलिटी है वो सारा कुछ चेक करेंगे इसके अलावा आप स्पीशीज़ के बारे में सब इसकी स्व सब स्पीशीज़ इसकी वेराइटीज़ इसकी एकोटाइप एकोफीन इन सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे स्पीशीज़ क्या होंगी किसी भी चीज़ की जो भी स्पीशी है वो जो कि आपस में इंटरप्रीट कर सकें सब स्पीशी जिनमें डिफ़्रेंस होता है लेकिन वो फिर भी इंटरप्रेट कर पाती हैं वेराइटीज़ वराइटीज़ ये हैं कि एक ही स्पेशी के जो है ना वो डिफ़रेंट बिहेवियर शो करने वाले या जैसे कि अब आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को uh, गंदम मिलती है या चावल मिलता है कर्नल चावल मिल रहा है या फिर कायनात मिल रहा है तो ये डिफरेंट वेराइटीज़ हैं इसकी जेनेटिकली थोड़ा बहुत मॉडिफ़ाई करके ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए आपने डिफरेंट वायटीज़ जो हैं वो बनाई हैं प्लांट्स की इसी तरह से इको टाइप एंड एककोफीन है वट इज़ एकोटाइप एकोफिन जो है वो वो आ, मतलब वेराइटी होती है जो कि देखेंगे यूँ होता है कि एक ही जेनेटिक्स से जो है वो डिफरेंट फिनोटाइप शो कर रही है यानी कि एक ही जीनोटाइप के प्लांट्स अगर आप डिफरेंट इन्वायरमेंट में लगा देते हैं तो वो जो है वो डिफरेंट फिनोटाइप शो करेंगे तो इकोफीन जो है वो ये है और इको टाइप जो है वो ये है कि डिफरेंट जो है ना जियोग्राफिकल एरियाज़ वहाँ पे जो है ये देखिए मैं इसकी आपको डेफिनेशन बता देती हूँ जेनेटिकली डिस्टिंक्ट जियोग्राफिक वैरायटी पॉपुलेशन और रेस विद इन अ स्पीशी विच इज़ जीनोटिपिकली एडोप्टिड टू स्पेसिफिक इन्वामेंटल कंडीशंस जो कि जिनोटिपिकली एडोप्टिड हो जाती है एक स्पेशल जो है वो स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस के लिए यानी कि पहले जो हैं ये सारी सेम थी लेकिन अगर जो है डिफरेंट एरियाज में आप आ, ग्रो करेंगे तो वो डिफरेंट बिहेवियर्स शो करेंगे सही इसके बाद आप बायोसिस्टमेटिक का प्रोसीजर एंड मेथोडोलॉजी देखें तो अच्छा हम टेक्जोनोमी को जो है वो किस तरह से स्टडी करते हैं एक्सपेरिमेंटल टेक्जोनोमी को आप किस तरह से स्टडी करेंगे आप हर हरबेरियम बनाएंगे जैसे कि आपके सिलेबस में भी है कि आप लोगों ने हर्बेरियम बनानी है इसी तरह से इसमें भी आप हरबेरियम बनाते हैं उसके लिए आप क्या करते हैं यही जो हम पहले स्टेप्स पढ़ चुके हैं तकरीबन उससे मिलते जुलते ही हैं सबसे पहले जो है वो एपटेक्सा जो है वो आ, प्लानिंग का सबसे पहला जो है ना फेज़ है उसमें क्या होगा कि आप कोई भी एक टैक्सा जो है वो चूज़ कर लेते हैं उससे रिलेटेड जो है वो आप एनअल पेरिनियल और हर्ब्स या श्रब्स जो हैं वो सारे या वुडी प्लांट्स जो हैं कुछ कलेक्ट कर लेते हैं मतलब या सेलेक्ट कर लेते हैं ये ये प्लांट्स जो हैं वो आप कलेक्ट करेंगे आफ्टर दैट जो है वो आप कलेक्शन करते हैं मटेरियल की Uh, किसी भी पॉपुलेशन से जाकर और वहाँ पे जो है फिर उसे प्रोपिगेट करते हैं और अपने एक्सपेरिमेंटल गार्डन्स में जो है उसको चेक करते हैं उसके बिहेवियर्स उसके जो है वो कह लें कि फ़िज़िकल करैक्टर्स और uh, उनकी जीनोटाइप ये सारा कुछ फिर यानी कि उनकी uh, सिर्फ जीनोटाइप नहीं ये चीज़ है कि उनकी जीनोटाइप क्या थी और उनके जो है वो वेरिएंट्स क्या बन रहे हैं सपोज अगर एक ही टाइप का उन्हें जो है इन्वायरमेंट मिल रहा है फिर तो वो एक जैसी ग्रोथ शो कर रहे हैं लेकिन अगर जो है कुछ और कंडीशंस दी जाती हैं तो उनमें क्या डिफरेंसेस आते हैं वो चीज़ जो है वो स्टडी करेंगे इसमें आप इसके बाद जो है जो सैम्पल्स होंगे उन्हें आप लेबल करेंगे हर जो है आपका लेवल जो है स्टडी का उस पर अटेंशन जो है बहुत जो है अपनी फोकस एक रखेंगे उसे जो अच्छे से स्टडी करेंगे आफ्टर दैट स्कोरिंग एंड एनालिसिस ऑफ डाटा आप आ, जो है वो रिकॉर्ड करेंगे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्रैक्टर्स एंड ए बायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो स्टडी करेंगे आफ्टर दैट ये है कि हार्वेस्टिंग होगी आप कलेक्ट करेंगे फ्रूट्स एंड ड्राई सीड्स जो होते हैं वो कलेक्ट करके रखेंगे आ, जैसे कि हर्बेरियम में जो है आप प्लांट को जो है वो कलेक्ट कलेक्शन ऑफ प्लांट्स होती है ना हर्ब्स होती है आप हर्ब्स को प्रिजर्व करके रखते हैं इसी तरह से इसमें भी आप जो है वो कुछ सीड्स के सैम्पल्स जो हैं वो भी साथ कलेक्ट करके रखेंगे तो इसे आप पढ़ें जो चीज़ ना समझ आए वो आप मुझसे पूछें और आप लोगों की जो है वो अटेंडेंस इसी चीज़ से होगी कि इसी लेक्चर में जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उसके आप लोग आंसर्स करेंगे थैंक यू अल्लाह हाफिज़